नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने लाए हैं रेसिपी, नहीं दीदी को आज लाए हैं, वो आज हमारे लिए बनाएगी सोया आलू और परवल का करी। आइए दोस्तों, मिलाती हूँ दीदी से। हाय दीदी, आज हमें सिखाएगी सोया आलू और परवल का करी, और टेस्टी भी खा। मैंने इसको टेस्ट किया, अच्छा है। आप भी इसे बनाइए और टेस्ट कीजिए। दीदी के लिए आज एक लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ओके दोस्तों, आइए बनाते हैं। एक कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिए हैं। अब इसमें परवल को डालेंगे। सब परवल को डाल दिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक। अब ये सबको अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए एक परवल रह गया है, हमने इसको कट नहीं किया है। अब इसको निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर परवल को अच्छे से मिक्स करके अब इसको थोड़ी देर तक कवर कर लेते हैं ताकि परवल अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए परवल हमारा फ्राई हो गया है। दीदी हमारी फ्राई अच्छे से कर लिए हैं। हमें इसी तरह फ्राई करना है। हाँ। परवल को हम यहाँ पर 3 हिस्से में डिवाइड किए हैं। ये रहा सोया चंक्स, गरम कर रहे हैं ताकि उबाल आ जाए, अच्छे से हो जाएगा। देखिए दीदी अच्छे से कुकिंग करिए और उसके साथ साथ स्माइल भी करिए। परवल को निकाल लिए हैं। देखिए परवल अच्छे से हो गया है फ्राई। अब इसमें आलू को फ्राई करेंगे। ये अब आलू फ्राई कर रहे हैं दीदी। आलू हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाला के लिए हमने यहाँ पर 2 कटा हुआ प्याज, कुछ लहसुन, कुछ अदरक, कुछ सूखी मिर्ची और टमाटर लिए हैं। सोया चंक्स को स्टेन करके अब इस सबको फ्राई करें। थोड़ी देर तक हमें सोया चंक्स को फ्राई करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, कुछ नमक स्वाद के मुताबिक। अब ये सबको हमें फ्राई करना है। जब तक फ्राई हो रहा है तब और एक कढ़ाई में हम यहाँ पर तेल लिए हैं। अब इसमें 5 फोरन को डाल दिए। अब इसमें टमाटो को डाल दिए। टमाटो को हमें फ्राई करना है। टमाटो को कुछ देर फ्राई करेंगे, देन उसमें डालेंगे मसाले। हमने जो मसाला लिए थे, प्याज, कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और सूखी मिर्ची। अब ये सबको हम यहाँ पर डाल रहे हैं मसाले। अब उसमें लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब ये सब को अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर तक हमें फ्राई करना है मसाले। अब इसमें स्वाद मुताबिक नमक। अब ये सब को हमें फ्राई करना है मसाले को अच्छे से। ये रहा एक मसाला, ये रहा दूसरा मसाला। ये रहा विदाउट ओनियन गार्लिक से बना परवल का करी बनेगा। इसमें मैं इसका वीडियो और एक दिन में पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना। आज देखिए ओनियन गार्लिक से बना टेस्टी सोया आलू परवल करी। मसाला भी हो गया है, अब इसमें डालेंगे। देखिए ये फ्राई कर लिए हैं दीदी, मैंने इसका वीडियो नहीं बनाई हूँ लेकिन दीदी फ्राई कर लिए। अब इसमें पानी डाल रहे हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा पानी दे रहे हैं ताकि सोया चंक्स पानी सब पी लेगा, सूखा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पानी दे रहे हैं। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर तक कवर कर लेते हैं। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं आलू अच्छे से बॉईल हुआ कि नहीं, नहीं तो उसका फिर बॉईल करना पड़ेगा। लेकिन बॉईल अच्छे से हो गया है, अब करी परफेक्ट है। आप गैस ऑफ कर लेते हैं। देखिए हमारा परफेक्ट सोया आलू परवल करी रेडी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। आप चाहे तो धनिया पत्ता होगा तो डाल सकते हैं, फ्रेश धनिया। गरम मसाला डाल के अब इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़े 5 मिनट तक। अब इसको कवर कर लेते हैं। देखिए हमारा परफेक्ट सोया आलू परवल करी रेडी है, और टेस्टी और यमी भी। आप इस तरह बनाइए और खाइए, और हमें कमेंट कीजिए हमारे वीडियो को एक लाइक, और नए नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।
जाते जाते एक लाइक कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।